की खाक की वर्दी से खून की बदबू आती है, खून की वर्दी से खून की बदबू आती है। रखी है। आज हम हमारे मुखिया के पास आए, आप धृतराष्ट्र बने हुए हैं और हजारों द्रौपदियों की इज्जत लूट रही है। आज करधनी में भी एक बहन के साथ में सामूहिक गैंगरेप हुआ है, लगातार पुलिस लॉ एंड ऑर्डर संभालने में नाकाम होती जा रही है और धृतराष्ट्र बनकर जिस तरीके से बैठे हुए हैं ये विद्यार्थी नहीं बैठेगी। आज हम लोग पी एच आए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को संभाले सरकार और विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में आंदोलन करेगी। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। विद्यार्थी परिषद का इन लोगों से दूर दूर तक कोई भी रास्ता नहीं है, ना ही हमारा इनसे कोई संबंध है। ये कार्यकर्ता हमारे नहीं है, ना ही हमारा इनसे कोई संबंध है। इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग, मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग किसी के नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त फांसी होनी चाहिए। और जिस तरीके से एसपी ने जो बयान दिया, उसमें एबीपी का नाम लिया है, हम मानहानि का दावा करेंगे। और जिन जिन लोगों ने किया है कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ सबूत दीजिए, नहीं तो दूसरे के ऊपर आरोप लगाना बंद कीजिए। किसी पाक और पवित्र संगठन को आपकी तरह सरकारी समझने वाले लोगों, हम जो उठा रहे हैं उससे आप डरे हुए, इसलिए सीएम साहब ने कल किया था। मैं ट्विंकल शर्मा, महानगर मंत्री जयपुर। आज हम सभी लोग ये मांग लेने आए हैं सरकार के पास में कि जिस तरह से हम देख रहे हैं रेप के मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, सरकार को ये कहना है कि अभी भी अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी, राजस्थान सरकार जिस तरह से हम न्याय मांगने के लिए आते हैं और पीड़िताओं को न्याय देने के बजाय राजस्थान सरकार न्याय मांगने वालों जो छात्र हैं उनको पीटती है, जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि सरकार जिस तरह का कुशासन फैलाती जा रही है उसके खिलाफ हम लोग आज अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान सरकार से हमारी यही मांग है कि सरकार पीड़िताओं को न्याय दे और बजाय हमारे ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाने के कि जो जोधपुर में जो कांड हुआ है उसके ऊपर हमारे जो कार्यकर्ता है उनकी गलती है। हमारी ये मांग है कि फटाफट से फांसी हो और हमारी ये मांग है कि जो सरकार है वो हमारी इस बात को सुने और जो पहले नंबर पे जो राजस्थान आ रहा है बलात्कार के मामलों में, आज अगर हम देखेंगे एनसीईआरटी के डेटा को उठाएंगे तो पता चलेगा पिछले सात दिनों के अंदर 8 केसेस आ चुके हैं जिसके अंदर माइनर जो गर्ल्स हैं उनके साथ में इस तरह के केसेस आ रहे हैं। आखिर हमारी सरकार सो रही है, कर क्या रही है? अशोक गहलोत का फ्लैक्स लगाया, आंखों पे पट्टी बंधा हुआ। हमारी यही मांग है कि सरकार हमारी बात सुने और अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी दे।